फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। सो हम लोग बनाने वाले एक स्वीट डिश, दैट इज बूंदी का लड्डू, जो एकदम बारीक वाली बूंदी होती है, मोतीचूर जो बोलते हो आप लोग। बहुत इजी वे में बनाएंगे, या झटपट भी बन भी जाता है घर पे। सो लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। तो मैंने उसके लिए लिया है यहाँ पे 1 कप बेसन। ओके, 1 कप बेसन और 1 कप शुगर। मेन इंग्रेडिएंट हम लोग का यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पर अच्छा सा हम लोग का फ्लफी सा होने के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे अपना बेसन को, थोड़ा छान लेंगे। ठीक है, अच्छे से छान लेंगे तो अंदर अच्छे से एयर कॉर्पोरेट हो जाएगा। हम लोग उसे छान लेते हैं। छानना हो गया है, इसमें हम लोग देंगे जस्ट 1 चुटकी जो है सॉल्ट। ठीक है, नमक जस्ट 1 चुटकी। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी दे के उसको अच्छे से हम लोग लम्फी बैटर तैयार करेंगे। ओके, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके देंगे पानी और एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा फ्लोई भी नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे अब तक 1/2 कप पानी दिया है। अभी हम लोग एक 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 स्पून करके डालेंगे और देखेंगे हमको बैटर सही कंसिस्टेंसी में लाना है। ठीक है, एकदम से पानी मत डाल दीजिएगा। अभी भी देखिए आप, फ्लोई गिर रहा है एकदम। तो हम लोग बैटर परफेक्टली रेडी हो गया है। ओके, क्या करेंगे इसको हम लोग, एक आपके पास जिपलॉक बैग होगा, दूध के पैकेट होगा, तो ऐसा कुछ भी आपके पास जो भी होगा, नहीं तो मेहंदी का जो कोन बनाते हो, तो मेरे पास ऐसा ना, जो हम केक बनाते हैं ना, तो उससे मेरे पास ऐसा है पॉलिश है कोन बैग। एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे कट लगाएंगे, हम लोग कहेंगे बारीक वाला चाहिए एकदम, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम देखिए यहाँ पे तो छोटा सा एक कट लगाएंगे, एकदम छोटा सा बारीक वाला एकदम। ओके, हम लोग ने इसे पैकिंग बैग में फिल कर लिया है, हम लोग ने छोटा सा यहाँ पे कट दिया है, एकदम छोटा सा। तो हम लोग अभी देखेंगे हम लोग का कितना बारीक आ रहा है हम लोग का मिक्सचर। तेल हम लोग को ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हम लोग देख लेंगे हम लोग का तेल गर्म हुआ कि नहीं पहले। तेल हम लोग का गर्म हुआ, देखिए ऊपर आ गया। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा हम लोग का डॉट डॉट गिर रहा है, देखिए इज़न्ट इट। फिर से देते रहेंगे, इतना छोटे छोटे गिर रहे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फटाफट बना सकते हो आप इसे करके, देखिए जल्दी में जल्दी जल्दी हो जाएगा। कितना किया, कितना अच्छा लग रहा है। घर का मिठाई का स्वाद ही अलग होता है, इज़न्ट इट। फटाफट निकाल लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ओके, ऐसे करके बाकी का भी हम लोग झटपट बना लेते हैं। देखिए हम लोग का बूंदी रेडी हो गया है, इतना अच्छा एकदम मोती जैसे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इतना क्रिस्पी है, देखिए सी इतना क्रिस्पी है और एकदम मोती जैसा लग रहा है। सो हम लोग का बूंदी अभी रेडी है। अभी हम लोग जाते हैं शुगर सिरप की तरफ। शुगर सिरप के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे 1 कप शुगर। ओके, यहाँ पर हम लोग लिए हैं 1 कप शुगर। ओके, फॉर शुगर सिरप। और हम लोग यहाँ पर लेंगे 3/4 कप पानी, वाटर 3/4 कप। ओके ओके, 3/4 कप हम लोग लिया है वाटर पानी। ओके, अब लोग अभी इसको बॉइलिंग के लिए रखेंगे। हम लोग यहाँ पे 1 तार वाली चाहिए। ओके, हम लोग शुगर सिरप में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर देते हैं। ओके, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और हम लोग यहाँ पे देंगे फूड कलर, ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको पसंद है तो दीजिए, अदरवाइज ओमिटेड। और एक नींबू का ऐसा दे देते हैं, बाद में निकाल लेंगे तो हम लोग को क्रिस्टलाइज नहीं होगा। ओके, आप यहाँ केसर भी दे सकते हो। ठीक है, सो हम लोग का शुगर सिरप रेडी हो गया है।
से हम लोग यहाँ पे देखिए एक तारा आ रहा है। फिर शुगर सिरप से हम लोग अपना जो नींबू हम लोग ने दिए थे वो हम लोग ने यहाँ पे उसका रस पूरा यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। ओके, लो फ्लेम में कर दूंगी। ओके, और अपना बूंदी जो है इसमें डाल दूंगी। धीरे धीरे करके पूरा बूंदी यहाँ पे डाल दीजिएगा, मिक्स करेंगे। ठीक है, सो यम्मी अटेम्प्टिंग लग रहा है, इजंट इट? और 2 to 3 minutes इसको हम लोग तो ढक देते हैं। ठीक है, अच्छे से वो अंदर जाएगा, फिर हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। ओके, तो फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर हम लोग उसका लड्डू बनाएंगे। ओके, ठंडा हो गया है, हम लोग अभी इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, बिकम वार्म नाउ, अभी हम लोग अपना लड्डू बनाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रेशर, थोड़ा प्रेशर दे के देखे। ओके, घर में बनाते हो आपका उतना आपका सुख होता है, जब अपने घर में बना के आप इतना फ्रेश बना के आप घर में सबको परोस रहे हो, भगवान को भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, इजंट इट? सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी। ऐसा करके हम लोग मुट्ठी से मुट्ठी करना है आपको, बस प्रेशर देके देके आपको मुट्ठी करके करके लड्डू बनाना है। इतना अच्छा टेक्स्चर आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, सी कितना अच्छा लड्डू बन गया है, इजंट इट? ऐसा करके हम लोग करके बना लेते हैं। फूड कलर दिया इसलिए हम लोग का कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हम लोग ने पूरा रेडी कर लिया है। इसके ऊपर आप वाटर मिलन का सीड्स, ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद दे सकते हो, आप ऐसा भी ऐसे ही रख सकते हो। सो यम्मी एंड डिलीशियस लड्डू हम लोग लगन में लाते हैं, इजंट इट? तो अभी आप घर पे बना के सबको खुश कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो यम्मी लड्डू रेडी, बूंदी मोतीचूर की बूंदी के लड्डू। ओके, सो ट्राई दिस रेसिपी, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी, टिल देन गुड बाय।